गाइस क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार और आज मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे फाइनेंस के थंब रूल्स या फॉर्मूले जो हर किसी को पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल के साथ बहुत पहले से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि यूट्यूब जो है वो मेरा पैशन है और मेरा प्यार है, लेकिन मेरा जो प्राइमरी काम है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है और मेरा जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है वो 15 इयर्स का है फाइनेंशियल सर्विसेज में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे पाँच फाइनेंस के थंब रूल्स या फॉर्मूले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 15 इयर्स का समरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नंबर 5 पे है ई एम आई कितना परसेंटेज होना चाहिए आपकी सैलरी का। तो यहाँ पे जो थंब रूल है वो ये कहता है कि आपका जो ईएमआई है वो लगभग 35% से 40% होना चाहिए आपकी मंथली सैलरी का। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो आपका जो ईएमआई है वो 40,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 4 पे है कि पैसा डबल कब होगा। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। जी हाँ, इसके लिए भी एक थंब रूल है, एक फॉर्मूला है और इस रूल को कहते हैं रूल ऑफ 72। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आपको डिवाइड करना है 72 के साथ। तो यानी कि 72 डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर आता है 12, यानी कि 12 ईयर्स में आपका मनी जो है वो डबल हो जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नंबर 3 पे है इंश्योरेंस कवर। कितना इंश्योरेंस कवर आपको लेना चाहिए आपकी सैलरी के हिसाब से। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ वैल्यू या HLV। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको लेना है आपका करंट सैलरी और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ इयर्स अंटिल यू रिटायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी करंट एज 30 है और आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं साल में और आपके पास 30 साल और हैं काम करने के लिए, यानी कि 60 ईयर्स पे आप रिटायर करेंगे, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 5 लाख × 30, यानी कि कम से कम आपको 1.5 करोड़ रुपए का कवर लेना ही चाहिए। नंबर 2 पे है बाय और रेंट। मैंने देखा कि आजकल के जितने भी जनरेशन के लोग हैं उनके मन में डाउट रहता है कि क्या हमें घर खरीदना चाहिए या हमें रेंट पे लेना चाहिए। तो इसके लिए आप जा सकते हैं मैजिक ब्रिक्स के वेबसाइट पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ वैल्यू, जैसे कि प्रॉपर्टी की प्राइस 1 करोड़ रुपीज में डाल देता हूँ, स्टेटस में डाल देता हूँ रेडी टू मूव, और एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन डाल देता हूँ 10% पे, और जो एक्सपेक्टेड रेंट है इस प्रॉपर्टी की वो हो सकती है 40,000 रुपीज, और मंथली ग्रॉस सैलरी हम रख सकते हैं 1 लाख रुपीज पे। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं वर्डिक्ट आ गया है कि बाइंग बेटर है अगर हम रहते हैं इस प्रॉपर्टी में 8 साल या उससे ज्यादा। एंड नंबर 1 पे है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी जो है वो कभी भी नॉक करके नहीं आती। हमने देखा पिछले साल क्या हुआ कोविड की वजह से और आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने उनकी जॉब्स खोई, काफ़ी सारे लोगों ने उनकी लाइव्स खोई इसकी वजह से, और इसके लिए इमरजेंसी फंड का प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है अपना मंथली एक्सपेंस और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 या 6 से, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपीज़ है तो लोअर एंड पे आपको सेव करके रखना है एटलीस्ट 90,000 रुपीज, और हायर एंड पे आपको सेव करके रखना है एटलीस्ट 1,80,000 रुपीज एज एन इमरजेंसी फंड। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना भूलना मत, और यार शेयर जरूर करना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मुझे डेफिनेटली फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे भी मैं ऐसे वाले वीडियोस बनाते रहता हूँ। यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिनको आप देख के कुछ नया सीख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना भूलना मत। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।